हेलो स्टूडेंट्स आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। हम यहाँ पर क्लास इलेवन की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट पोएम पोएम टू द लेबर्नम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। Now, before proceeding with the chapter, first we'll discuss the title. Laburnum is the name of a tree. It is a short tree with hanging branches, yellow flowers, and poisonous seeds. Laburnum को हिंदी में अमलतास के नाम से जानते हैं. अमलतास का पेड़. तो ये पेड़ बहुत कॉमन है आसपास आप देखेंगे अगर बाहर निकलेंगे घर से तो आपको अमलतास का पेड़ देखने को मिल जाएगा बहुत ही सुंदर ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर एंड द लेबर्नम टॉप मीन्स लेबर्नम पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर ब्रांचेस और फ्लावर्स और लीव्स होते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं ये पोएम बहुत ही अच्छी और अलग सी पोएम है और हम पोएम में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे मैं आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड देन डिसकस द लिटरी डिवाइस द लेबर्नम टॉप इज साइट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सिप्टेम्बर सन लाइट अ फ्यू लीवस येलोइंग ऑल इथ सीड्स फॉलन तो सबसे पहले पोइट कहते हैं कि जो लेबर्नम टॉप है लेबर्नम का पेड़ है ये बहुत ही शांत है बिल्कुल स्टिल है यहाँ पर कोई हलचल नहीं है देर इज़ नो एक्टिविटी दोपहर का टाइम है सेप्टेंबर का महीना है दैट मीन्स ऑटम सीजन चल रहा है और दोपहर में ब्राइट सन लाइट है और उस सन लाइट में दोपहर के टाइम में लेबर्नम के पीले रंग के फूल बहुत ही ब्राइट और चमक रहे हैं अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन अब जैसे कि ऑटम का महीना है ऑटम में क्या होता है सारे पत्ते हरे रंग से येलो रंग के हो जाते हैं तो लेबनम ट्री के पत्ते भी पीले हो रहे हैं एंड उसमें जितने भी सीड्स थे वो नीचे झड़कर कर गिर चुके हैं तो पूरा का पूरा पेड़ दिखने में येलो लग रहा है क्योंकि उसके फ्लावर्स तो येलो ही है ही हैं और उसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं और सितंबर की धूप वाली दोपहर में येलो कलर का ये पेड़ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और चमक रहा है तो ये थी इंट्रोडक्शन इस लेबर्नम ट्री की और हमारी इस पोएम में येल्लो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कलर इस ट्री और इस पर बैठी चिड़िया जो नेक्स्ट लाइन्स में आएगी गोल्ड फिंच बर्ड उसके बीच में एक लिंक फॉर्म करता है एक सिमिलैरिटी फॉर्म करता है बिकॉज दोनों चीजें येलो कलर की हैं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं टिल द गोल्ड फिंच विद अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड गोल्ड फिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स तो ये बर्ड है ये जब चहकती है ये जो आवाज़ निकालती है ऐसे लगता है कि ये गा रही है बहुत ही मेलोडियस आवाजें निकालती है ट्विचिंग मीन्स शॉर्ट एंड सडन छोटी छोटी सी अलग अलग सी आवाज़ें वो निकालती है एंड चिरप मीन्स अ शॉर्ट हाई पिच साउंड विद अ जग झटके से वो छोटी छोटी बहुत ही लाउड बहुत ही पिच वाली तीखी आवाज़ वाली ऐसी आवाज़ें निकालती है सडननेस मीन्स अचानक से कुछ हो जाना स्टार्टलमेंट मीन्स अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जिससे आसपास के लोग डर जाते हैं बिकॉज कोई चीज़ अचानक से वो इतनी हाई पिच की जो साउंड निकालती है वो सबको स्टार्टल कर देती है, हैरान कर देती है तो so, ये जो गोल्डफिश बर्ड है ये आकर लेबनम ट्री की एक ब्रांच के एंड पर एक टहनी के किनारे पर आकर बैठ जाती है और वो ऐसी छोटी छोटी अलग अलग बहुत ही हाई पिच की आवाजें निकालती है और उसकी आवाजें इतनी अचानक आती हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं अगली लाइन्स में पोइट क्या कहते हैं देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस दिकनेस एंडीन स्टार्ट अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम एंड थ्रिल्स ना स्लीक नीन्स स्मूथ ग्लॉसी शाइनी एलर्ट मीन्स सचेत होना एब्रप्ट मीन्स अचानक से कुछ करना सडनली कुछ करना थिकनेस हेयर मीन्स द डेंस एरिया ऑफ द लेबोनम ट्री जहाँ पर ब्रांचेज और लीव्स और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं बहुत घने हैं मशीन ही मीन्स द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड एंड इट्स चिक्स वो जो साउंड है वो ऐसे लगता है कि कोई मशीन की आवाज़ है क्योंकि अचानक से एक आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है चिटरिंग्स इज द साउंड द नॉइज मेड बाय बर्ड्स एंड ट्रेमर मीन्स शेक करना हिलना ट्रिलिंग्स मीन्स टू सिंग इन रैपिड ऑल्टरनेटिंग साउंड्स तो जिस तरह से चिड़िया गाती है कू कू दिस इज एन एग्जाम्पल इसको हम ट्रिलिंग्स कह सकते हैं द होल ट्री ट्रेम्बर्स एंड थ्रिल्स मीन्स पूरा पेड़ हिलने डुलने लग जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है तो अब यहाँ पर फर्दर पोइट ये बता रहे हैं कि गोल्ड फिंच बर्ड के आने से पेड़ में क्या क्या बदलाव आते हैं ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है ये बहुत ही स्मूद एंड ग्लॉसी है जैसे लिजर्ड की बॉडी होती है ये बहुत ही अलर्ट है और अब्रप्ट है अचानक से अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है अलग अलग आवाज़ें निकालती है फिर वो पेड़ के एक ऐसे हिस्से में घुस जाती है जो बहुत घना है वहाँ पर उसका नेस्ट है उसका घोंसला है एंड जैसे ही वो इस एरिया में घुसती है वो अपने नेस्ट में घुसती है मशीन स्टार्ट्स अप, बहुत सारी नॉइज़ शुरू हो जाती है ये नॉइज़ किस चीज़ की है चिटरिंग्स की चिड़िया के आवाज़ों की तो चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही है सब आपस में मिल रहे हैं सब चहक रहे हैं और फिर सबके विंग्स भी फड़फड़ाने लग जाते हैं सब हिलने डुलने खेलने लग जाते हैं एंड वो ऐसी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं सब वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो इतनी खुश है इतनी एक्साइटेड है कि वो गाने लग जाती है और इन आवाज़ों से इन ह, इस हलचल से पूरा का पूरा लेबरनम ट्री काँपने लग जाता है हिलने लग जाता है और उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है फर्दर वो क्या कहते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ योर फैमिली तो ये जो लेबर्नम ट्री है ये गोल्ड फिंच बर्ड की फैमिली का इंजन है क्योंकि यहां पर ही उसका नेस्ट है जहां पर उसके चिक्स रहते हैं शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क स्टोक्स मीन्स टू पुट फ्यूल इन द फायर और यहां पर वो किस चीज में फ्यूल डाल रही है अपने बच्चों में उन्हें खाना दे रही है वो उन्हें फीड कर रही है फ्लर्ट्स आउट मीन्स मूव्स आउट लीड्स टू आगे वो फिर से एक टहनी के एंड पर उड़कर बैठ जाती है फिर से वहाँ पर चली जाती है बार्ड मीन्स मार्क विद बैंड ऑफ कलर और लाइट निशान होना किसी के ऊपर किसी अलग चीज़ का किसी अलग कलर का निशान होना तो ये जो फिंच बर्ड है इसका चेहरा वैसे तो इसकी पूरी बॉडी येलो कलर की है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक कलर के निशान हैं मार्क्स हैं और ये जो ब्लैक कलर के मार्क्स हैं ये ही उसकी आइडेंटिटी है क्योंकि अदरवाइज उसका जो कलर है येलो वो लेबोनम ट्री के कलर में मिक्स हो जाता है इसलिए किसी को नहीं पता चलता कि वहाँ पर कोई चिड़िया भी बैठी हुई है सिर्फ उसके चेहरे पे ये जो काले रंग के निशान हैं ये एक आइडेंटिटी मार्क्स हैं और ये ही आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस पेड़ के ऊपर एक गोल्ड फिंच बर्ड बैठा हुआ है तो इन लाइंस में पोइट हमें क्या बताते हैं कि ये जो लेबोनम ट्री है ये इस चिड़िया की फ़ैमिली का इंजन है क्योंकि यहाँ पर उसका नेस्ट है उसका नेस्ट ही उसकी फ़ैमिली का इंजन है वहाँ पे उसके चिक्स रहते हैं वो उन्हें खूब सारा खाना देती है उसे फ्यूल से भर देती है और एक बार फिर से उड़कर एक टहनी के एंड पर आकर बैठ जाती है और जब वो टहनी के एंड पर आकर बैठती है घने पेड़ में से बाहर निकलती है तभी कोई आइडेंटिफाई कर सकता है किसी को पता चलता है कि उस पेड़ की टहनी पर गोल्ड फिंच वर्ड बैठी है उसके चेहरे पे लगे ब्लैक निशान से फर्दर लाइन्स में वो कहते हैं देन विद ईरी विसल चिरप विस्परिंग्स शी अवे द इनफाइनाइट एंड सबसाइड्स टू एम टी ईरी मीन्स स्ट्रेंज अजीब डेलीकेट मीन कोई चीज जो बहुत ही नाजुक हो विसल चिरप विस्परिंग्स सर चिरप मीन्स विसलिंग करना सी टी की तरह आवाज निकालना तो ये बर्ड जो आवाजें निकालती है ऐसे लगता है कि वो विसल कर रही है कभी लगता है कि वो विस्पर कर रही है यानी कि हल्की हल्की आवाज में कुछ बोल रही है लॉन्चर्स अवे मीन्स फ्लाईज ऑफ टूवर्ड्स द इनफाइनाइट इनफाइनाइट हि मीन्स द ओपन स्काई एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम टी सबसाइड्स मीन्स रिटर्न बैक टू सम तो इन लाइंस में पोर्ट क्या कहते हैं कि जब वो चिड़िया एक बार फिर से पेड़ की टहनी के एंड पर आकर बैठ जाती है वो फिर से बहुत ही हल्की सी नाजुक सी विसल और विस्परिंग्स जैसी आवाज़ें निकालती है और फिर वो एक बार फिर से हवा में उड़ जाती है और उसके जाने के बाद ट्री एक बार फिर से शांत हो जाता है साइलेंट हो जाता है एंड इट रिटर्न्स बैक टू एम्प्टी जो हलचल हुई थी चिड़िया के आने पे वो एक बार फिर से बंद हो जाती है तो इस पॉइंट में हमने देखा कि बर्ड के आने से पहले लेबोनम ट्री की सिचुएशन कैसी थी जब बर्ड आई तब उसके सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आए और एक बार फिर से जब वो चली जाती है तो फिर से लेबोनम ट्री बैक टू नॉर्मल हो जाता है जैसा वो पहले था एंड विद दिस वी हैव रेड द पोएम एंड डिस्कस्ट इट नाउ लेट अस सी लिटरेरी डिवाइसेस दैट बीन यूज्ड इन द पोएम ना ये जो लाइन्स हैं द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सन लाइट अ फ्यू लीव येलोइंग ऑल इथ सीड्स फॉलन इन लाइन्स में कौन कौन से डिवाइस यूज हुए हैं सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है इट इज रिटन इन फ्री वर्स फ्री वर्स मीन्स पोइट ने कोई भी राइमिंग का जो डिवाइस है वो यूज नहीं किया है ना अनदर डि यूज इन दीज लाइन इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेट साउंड एट दू और मो कंजिव वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा साथ में आने वाले वर्ड्स की स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दैट इज एलिट्रेशन यहाँ देखिए सेप्टेंबर सनलाइट दोनों वर्ड्स स साउंड से शुरू हो रहे हैं यू हैव टू लिसन टू द साउंड सेप्टेंबर सन लाइट सउंड दिस इज़ एलिट्रेशन अब कई स्टूडेंट सोचेंगे साइलेंट स्टिल भी एलिट्रेशन हो सकता है तो हाँ ये भी एलिट्रेशन का इंस्टेंस हो सकता है ऑल बीच में एक वर्ड आ गया है इसलिए हम एलिट्रेशन की जो लिस्ट बनाएंगे जब हम बताएंगे कि एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स कौन से हैं तब हम ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि बीच में एक और वर्ड आ गया है हम इसे कॉन्सोनेस कह सकते हैं कॉन्सोनेस क्या है जब किसी भी लाइन में कोई पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है दैट इज़ कॉन्सोनेंस यहाँ देखिए इस लाइन में यहाँ स साउंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट इज साइलेंट क्वाइट स्टिल स हम कितनी बार बोलते हैं तो इसे हम कॉन्सोनेंस कह सकते हैं इसी तरह एसोनेंस भी एक डिवाइस है एसोनेंस में वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में यहाँ देखिए इज साइलेंट क्वाइट स्टिल आई साउंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पोर्शन एसोनेंस। कॉन्सोनेंस का एक और इंस्टेंस है लाइन वन में साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट। टॉप साइलेंट क्वाइट स्टिल इन सब वर्ड्स में साउंड है अब यहाँ पे हमें इंजैबमेंट देखने को भी मिलती है इंजैबमेंट इज वेन द सेम सेंटेंस कॉन्टिन्यूज इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द फर्स्ट लाइन लुबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन दफ्टरनून येलो सेम्बर सनलाइट तो ये सेम सेंटेंस चल रहा है और स्टिल का एंड में कोई पंचुएशन मार्क भी नहीं है सो दिस इज एनजे नाउ वी मूव ऑन टू दाइन्स टिल द गोल्ड फिंच विदिचिंग चिप असार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड यहां पर भी एलिट्रेशन है दैन देर इज एनजैबमेंट ऑल्सो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया सेम सेंटेंस चल रहा है टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप अडननेसटार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड इस लाइन के एंड में कोई पंचुएशन मार्क भी नहीं है सो दिस इज एनजैबमेंट तो लाइन वन में हमें ऐसोनेंस देखने को मिलती है देर इज प्रोमिनस ऑफ आई साउंड टिल गोल्ड फिंच ट्विचिंग चिरप and in the second line a sound key assonance hai a startlement a suddenness a branch end now we move on to the next lines then sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings the whole tree trembles and trills Subse pehle there is simile then sleek as a lizard बर्ड को गोल्ड फिश बर्ड को लिजर्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है देन अगेन लाइन वन में भी हमें एसोनेस देखने को मिलती है एलिट्रेशन है थिकनेस द साउंड इज यूज देन देर इज मेटाफर मेटाफोर इज एन इनडायरेक्ट डायरेक्ट जब आप कोई दो तो चीज़ों की क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं यहाँ पे जब पोइट कहते हैं एंड मशीन अप सो एक्चुअली कोई मशीन स्टार्ट नहीं होती लेकिन जो नॉइज़ है उस नेस्ट में जो नॉइज़ स्टार्ट हो जाती है उसे एक मशीन की नॉइज़ के साथ कंपेयर किया गया है तो हम कह सकते हैं कि जो नेस्ट है बर्ड का उसे एक मशीन के साथ कंपेयर किया गया है दिस इज मेटाफर चिटरिंग्स इज़ ऑन मार्टिया ऑन मार्ट पिया इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स कोई ऐसा वर्ड यूज करना जो किसी साउंड के लिए रिप्रेजेंट करता है दैट इज ऑन मार पिया तो चिटरिंग इज द साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स सो दिस इज ऑन मार्टिया डिवाइस अगेन ट्रिलिंग्स इज ऑल्सो ऑन मार पिया ट्रिलिंग्स मीन्स के गाना गाना वो गाती है रेपिड ऑल्टरनेटिंग साउंड में सो ट्रिलिंग्स इज ऑल्सो ऑन मार्टिया लास्ट लाइन में भी एलिट्रेशन देखने को मिलती है ट्री साउंड इज़ रिपीटिंग थर्ड लाइन में हम एसोनेंस भी देख सकते हैं आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट चिटरिंग्स विंग्स ट्रिलिंग्स एंड देर इज कॉन्सोनेंस ऑल्सो ट साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट चिटरिंग्स ट्रेमर ट्रिलिंग्स

Then again, we can see enjabment over here. Line 2 and line 3, she stokes it full, then flirts out to a branch in, showing her barred face identity mask. Line 1, we have a dissonance. I sound is prominent. It is engine family. Now we move on to the next set of lines. Then, with eerie, delicate, whistle chit of whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. सबसे पहले विसल चिरप विस्परिंग्स यहाँ पे ऑन मार्टिया यूज हुआ है विसल चिरप विस्परिंग्स इज द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्ड फिंच बर्ड फिर हम यहाँ पे लाइन वन में एलिट्रेशन भी देख सकते हैं व साउंड रिपीट हो रहा है विसल विस्परिंग्स फिर यहाँ पर एसोनेंस भी है लाइन वन में आई साउंड इज वेरी प्रोमनेंट विद ईडी डेलिकेट विसल विसिल विस्परिंग और यहाँ पे इंजैबमेंट भी है देन विद ईडी डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग्स ही लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड लेबर्नम सबसाइड्स टू एम टी तो इन दोनों लाइन्स में ही इंजैबमेंट है इज नो पंक्चुएशन मार्क एंड द सेम सेंटेंस इज कॉन्टीन्यूइंग इन टू थ्री लाइन्स So with this we come to an end of this session. Thank you for watching this video. I hope you video laga and I hope it is useful to you. If you like the video, do hit the like button, share it with your friends and for many more such videos, do subscribe to our channel English Academy. Thank you.